उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले समय में कोरोना के बढ़ते केस से निपटने के लिए अधिकारी तैयार हैं, जिसको लेकर गाजियाबाद के लोनी स्वास्थ्य केंद्र पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें सभी अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा और लोनी CSC प्रभारी डॉक्टर मनपाल सिंह मौके पर मौजूद रहे। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे गाजियाबाद में आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि अगर जनपद गाजियाबाद में कोविड का मरीज पाया जाता है तो उसको इसी तरीके से इलाज दिया जाएगा। साथ ही गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अपनी तैयारी कर चुका है। मॉक ड्रिल आज इसलिए किया गया कि हम अपने उत्तर प्रदेश में पूरे में किया, हर हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जो जो कोविड से कोविड वार्ड जहाँ जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये आने वाले जो हमारे केस थोड़े कोविड के बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी तैयारियों को देखने के लिए, तैयारी हमारी कितनी परिपूर्ण है ये है उसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। किस तरह की जो तैयारियां हैं वो आने वाले समय से जो प्रोटेक्ट लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, किस तरह तैयारी ये लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी तैयारी जिस लेवल की आज हमने फैसिलिटी पे आज देखा है तो वो परिपूर्ण है और पूरी तरह से हम तैयार हैं लोगों को फैसिलिटी देने के लिए। अगर कोविड के केस और बढ़ते हैं तो उन्हें हम अच्छा इलाज दे सकें, तो हमारी जो फंक्शन, जैसे मैं आज यहाँ पर CSC लोनी पर देखना आया हूँ, तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और फंक्शनल हैं, सभी चालू रूप से हैं। जो भी मरीजों को जो जो ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से संबंधित जितनी भी फैसिलिटी, एम्बुलेंस से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब कुछ अवेलेबिलिटी है। ऑक्सीजन प्लांट का आपने निरीक्षण किया, हाँ जी, क्या पाया और किस तरह से वो देखते हैं? ऑक्सीजन प्लांट यहाँ का पूरा चालू रूप से चल रहा है, जो हमारे हर कोविड वार्ड के हर बेड को ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है, जिससे मरीज अगर आते हैं तो हम उन्हें उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई दे पूरी तरह से दे सकें, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास मशीनें हैं जो बाईपैप की तरह काम करती हैं, जो बाईपैप से हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। अगर पैंडेमिक की किसी तरह से स्थिति बनती है तो कितने लोगों को आप प्रॉपर तैयारी आपके पास ला देंगे? यहाँ पर 12 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं कोविड के, और टोटल 30 बेड्स हैं, है ना, 12 बेड्स हमारे आइसोलेशन बेड्स हैं जो कोविड के संबंधित हैं, इसमें हम कोविड के मरीजों को सुविधाएं दे सकते हैं। क्षेत्रीय जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कोविड को? क्षेत्रीय जनता को यही मैसेज है कि मार्केट में जितने भीड़ भाड़ इलाकों में जब भी निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मास्क को लगा के रखें, जिससे हम कोविड से संक्रमण को फैलने से बचा सकें, है ना।